पॉइंट की अगर मैं आपको बात बता दूं जिससे मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं, मतलब इस पॉइंट से ज्यादा मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी बाइक में। बाइक A1 है, कंडीशन सब कुछ है, सब कुछ झेल लेंगे, पर यही पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा भाई। मतलब जो मुझे लोग कमेंट में पूछते हैं और कमेंट में पूछने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को ये आ भी रही है जो नई बाइक्स ले रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत ये उन्हें दिख भी रही है और मुझे भी शुरू में फेस हुई थी, लेकिन अब पता नहीं भगवान की दुआ क्या है, मेरी बाइक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब भाई 350 cc का इंजन दे रहा हो तो कम से कम इसकी ऐसी चीज तो जो इसमें से तेल ना निकले बारे को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका फिर से नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये हमारे पास खड़ी है आज फिर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। तो आज मैं इसके आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी बुलेट को अवॉइड करके अगर आपका बुलेट लेने का मन है तो आप बुलेट की जगह कोई और सी बाइक ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सारे पॉइंट्स गलत ही हों या फिर मैं इसकी बुराई करूंगा बुलेट की। आप वीडियो को उस वे में ना देखें कि मैं बुलेट की बुराई कर रहा हूं। मतलब पॉइंट हैं तभी मैं चला रहा हूं, बस मेरा काम है बताना और आपको जानकारी देना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी बुलेट की। भाई अगर आपके पास बुलेट है, अगर आप बुलेट लेने का या फिर मन बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई साइलेंसर का इतना बड़ा चक्कर चल चुका है आजकल उसमें मार्केट में कि जो गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है कि जिसकी भी बुलेट का साउंड 80 dB से ऊपर होगा, मतलब भाई इसका एक मीटर आता है नापने का जिसमें उसे मीटर को यहाँ लगाते हैं और आवाज़ तेज करके देखते हैं, अगर आपका साउंड 80 dB से ऊपर है कोई सी बाइक का तो आपकी ये बाइक किसी काम की नहीं है। क्योंकि बुलेट तो भाई आवाज़ के लिए ही लेते थे और मुझे लगता है कि इसका ये वाला जो साइलेंसर है शॉर्ट बॉटल फ्री फ्लो, इससे तो मुझे लगता है 100+ dB आएगा। तो आवाज़ ख़त्म, बाइक ख़त्म, सीधी सी बात है। आवाज़ नहीं आएगी तो बाइक क्यों लेगा? BS6 में वैसे पैंट पाइप चेंज नहीं होते, वो साइलेंसर वगैरह चेंज करके इतना मज़ा आता नहीं, सरकार ने कर दी बहुत सख्ती। तो भाई साउंड का पत्ता तो कट गया बुलेट का, अब बता आपको शौक के लिए लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो भाई अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसके ब्रक्स, मतलब भाई ये लगा लो 5000 चलने के बाद जब भी आप सर्विस करवाओगे तो आपको ब्रक्स डलवाने ही डलवाने पड़ेंगे। अगले नहीं डलवाने लेकिन पिछले तो डलवाने ही पड़ेंगे, इतने कमज़ोर ब्रक आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी नए डलवाए थे, आप देख सकते हैं ब्रक कहाँ जा रहे हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं कितनी सारी चूड़ियाँ टाइट हुई पड़ी हैं। तो ब्रक की कंडीशन में तो भाई बिल्कुल बाइक जीरो है। ब्रक के ऊपर अगर आप बाइक ले रहे हैं तो ना लें क्योंकि हैवी बाइक है और इन ड्रम ब्रेक पे रुकती नहीं। हालांकि BS6 में डिस्क ब्रेक आ रहे हैं लेकिन ये तो BS4 है, इसमें भाई कोई डिस्क ब्रेक है नहीं, तो ड्रम ब्रेक है अपने वही नॉर्मल से, इससे बाइक रुकती है नहीं और पड़ जाती है जाके पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ब्रक्स के मामले में तो बिल्कुल ख़राब है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो भाई मैं आपको बता दूं कि इसकी भाई लीकेज प्रॉब्लम, मतलब जब भी आप इसे थोड़ा पिकअप लेंगे या फिर थोड़ी सी आवाज़ सुन लेंगे या फिर कुछ भी अगर आप एक्सीलेट करेंगे ना, ओवर एक्सीलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके ऑयल दिखेगा। पता नहीं सील का मामला है क्या मामला है, मैंने पूछी नहीं, भी ध्यान नहीं दिया मिस्त्री से पिछली बार, लेकिन यहाँ पर इसके हर बार ऑयल आ जाता है, ये देख सकते हैं आप ये वाला, और यहाँ से भी निकल सकता है, ये इसकी वो है क्वालिटी। मतलब भाई 350 cc का इंजन दे रहे हो तो कम से कम इसकी ऐसी चीज़ तो जो इसमें से तेल ना निकले बारे को। अब माना कि बाइक इतनी बड़ी है और इंजन में तुम्हारे तेल चू रहा है तो क्या ही फ़ायदा लेने का, इससे तो इंसान 2 lakh rupees कोई और सी स्पोर्ट्स में खर्च करेगा तो इससे ज़्यादा फीलिंग लेगा, इससे ज़्यादा फीचर्स लेगा। पर वही बात है, पुरानी वाली कहावत है कि भाई रॉयल फील्ड तो रॉयल फील्ड है, वाकई रॉयल एनफील्ड है, मजबूती तो मजबूत है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं, पर फिर भी थोड़े इन पर अपनी इस पर क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए, जो क्वालिटी घटा रहे हैं और पैसे बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगले पॉइंट की एक बात करें तो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो है भाई वो है इसका ये यहाँ का इसका फ्यूल मीटर, मतलब भाई बाइक में इन्हें फ्यूल मीटर तो जरूरी देना चाहिए। आप बताओ क्या ही अंदाजा होगा नया इंसान, चलो मान लो जो पुराने टाइम से चला रहा है 1 साल से, तो तेल देख के बता देगा कि हमारे तेल में इतनी बाइक इतनी चल जाएगी, पर जो नया इंसान है उसे क्या पता कि भाई इसमें कितना तेल है और अगर तेल देख भी लेगा तो उसमें कितनी चलेगी, कुछ पता चलेगा बताओ? तो भाई फ्यूल मीटर देने का तो इनका कायदा बनता है, इतने दिन होगा फीचर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसे देसी बना के रखेंगे, तो फ्यूल मीटर तो इन्हें देना ही चाहिए। अगले पॉइंट की हम बात करें तो भाई वो है इसका वेट। अब मैं इसका आपको वेट बताऊं तो इसका वेट है भाई 2 quintal के करीब, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है 2 quintal है, पर जब ये गिरती है तो भाई संभलती भी नहीं। अगर कमज़ोर इंसान कोई बुलेट लेने के शौकीन है मेरे जैसे तो भाई थोड़ा देख कर लेना, मतलब ऐसा होता है कई बार तो ये पीछे को भी नहीं खींचती, वैसे ही भाई सहारा दे दो पीछे निकलवा दो ऐसे निकलती है, क्योंकि गियर लगाने के बाद इसका क्लिच इतना काम नहीं करता और ये पीछे को हटती नहीं है स्टार्टिंग में। और भाई एक पॉइंट मैं आपको बता दूं तो इसका, मतलब जो मुझे लोग कमेंट में पूछते हैं और कमेंट में पूछने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को ये आ भी रही है जो नई बाइक्स ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये उन्हें दिख भी रही है और मुझे भी शुरू में फेस हुई थी, लेकिन अब पता नहीं भगवान की दुआ क्या है, मेरी बाइक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी साउंड, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके इंजन में हेड में टिप टिप की नॉइस आवाज़ देगी। तो मैं करता हूं बाइक को स्टार्ट, फिलहाल आप देख सकते हैं मेरी बाइक में तो किसी तरीके की कोई आवाज़ है नहीं, बहुत साइलेंट इंजन चल रहा है। बाकी मैं आपको थंप की आवाज़ सुना देता हूँ।
साइलेंसर बता दूं, इन वाले साइलेंसर पे चलान है क्योंकि इनका डीबी 100 से ऊपर जाता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि बाइक का डीबी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो आपको दिख जाएगा कि 80 डीबी से ऊपर इसका आवाज साउंड नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर चलान है बाइक का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं अगली बार इस बाइक को किसी बाइक से कंपेयर भी कर दूंगा, जो आप कमेंट में सबसे ज्यादा बोलेंगे उस बाइक के साथ इसको कंपेयर वीडियो बना दूंगा। तो करते हैं अगले पॉइंट की बात। और भाइयों, अगले और सबसे जरूरी पॉइंट की अगर मैं आपको बात बता दूं, जिससे मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूं, मतलब इस पॉइंट से ज़्यादा मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी बाइक में, बाइक A1 है, कंडीशन सब कुछ है, सब कुछ झेल लेंगे, पर यही पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा भाई। आप देख सकते हैं मैं इसकी चाबी ऑन करूँगा, भाई इसका हर महीने तो ये बल्ब फ्यूज होता है, किस लिए, जब ये मिसिंग मारती है तो उसके साथ साथ मिसिंग में इसका करंट कट होता है और एकदम से आता है, जैसे कि हम सेम पटाखा मारते हैं ना, मैं पटाखा भी नहीं मारता, ये खुद ही कट मारती है और उसका भाई ये वाले बल्ब फ्यूज हो जाते हैं और ये भी फ्यूज हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं पिछली लाइट तक फ्यूज हो जाती है इसकी, हर महीने इसके मैं बल्ब डलवाते थक गया, इसका मीटर का बल्ब आज फ्यूज है, बिल्कुल अंधी चलती है, पता नहीं चलता कितनी चल रही है रात में। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं तो भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल सब कुछ ठीक है, इसका हॉर्न नहीं बज रहा, ये ऐसे नहीं है बजा नहीं रहा, आप देखो ये दाब रहा हूं बिल्कुल मैं स्विच पर, लेकिन हॉर्न में कोई गतिविधि नहीं है, हॉर्न बिल्कुल बंद है। और मैं इसका स्विच करता हूं इंडिकेटर की तरफ ऑन, तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर में भी कोई हलचल नहीं है, बस नाम के लुक्स हैं, नाम के वो हैं, कहूँ क्वालिटी इनसे आज भी नहीं दी जा रही, वही देसी जुगाड़ है भाई, अगर आप चलाओगे तो चलती रहेगी। आप देख सकते हैं पिछली ब्रेक लाइट हमेशा ऑन ही है, मतलब ये भाई ना तो बंद होती ना ये कुछ होता, बस लाइट लगवाई अभी नहीं, हमेशा ऑन ही है, नहीं लगवाई क्या, मैंने घर ही लगा ली थी ला के, इसका ये ऊपर वाला शीशा लगा ले आया था, बल्ब ले आया था। सबसे ज़रूरी चीज़ भाई ये है कि इन्हें अपनी क्वालिटी में सुधार करना होगा, अगर नहीं कर पाए तो इनकी मार्केटिंग गिरती चली जाएगी, क्यों, लोगों का विश्वास अब उठने लगा, बस जो ले लेता है वो इससे थक जाता है, जो नहीं लेता उसे ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, लेनी पड़ेगी, ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी भाई मैं एक बार आपसे फिर बोल रहा हूँ कि ये निगेटिव पॉइंट्स मेरी निगाह में हैं, मेरे अगर आप व्यू से देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स आप में दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बाइक की बुराई कर रहा हूँ या फिर बाइक में कोई कमी है, बाइक A1 है, लुक्स बेहतरीन है, सब कुछ है, मैं भी चला रहा हूँ, अगर आपका मन है तो आप भी लेंगे, आप भी चलाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।